एक बात सुनो मेरी, तेरी रुक जाओ प्लीज, तेरी जो तुम समझ रही हो पैसा नहीं है, तेरी तेरी प्लीज कैसी? वो ठीक तो हो जाएगी ना? कब तक होश आएगा उसे? पेशेंट के सर पे गहरी चोट है, ऑपरेशन हो गया है पर अभी तक उन्हें होश नहीं आया है, थोड़ा वक्त लगेगा। वैसे वो खतरे से तो बाहर है ना अब? वो तो उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। क्या हुआ बेन को? सब ठीक है ना? तुम्हारा मैसेज मिलते ही भागा चला आया मैं। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? कहीं बेहोश है अभी, कुछ कहा नहीं जा सकता। पर वो गिरी कैसे? यही बात तो हम भी जानना चाहते कि हुआ क्या था। आखिर टैनी किस बात पर इतना भड़क गई थी? उसने घर छोड़ के जाने की ठानी? पार्थ शौर्वरी, अरे आप दोनों चुप क्यों हो? ऐसा क्या हुआ था? वो क्या था बोलो ना। मैं बताती हूँ। पार्थ, अगर तुम ये रिश्ता चलाना चाहते हो तो तुम्हें हम दोनों में से तुम्हारी पत्नी के रूप में किसी एक को चुनना ही होगा। अगर तुम चाहते हो कि ये रिश्ता आगे बढ़े तो टेढ़ी को यहाँ से तुम्हें भेजना होगा। बात को समझो। मैं जा रही हूँ। गलती मेरी है, ये जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। बात को लेकर स्वार्थी हो गई थी मैं, आज उसकी ये हालत के जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे विश्वास नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए। उसकी सजा टेढ़ी को मत दीजिए। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पार्थ, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। गलत नहीं थी, टेढ़ी का दर्द सच बहुत बड़ा। पता नहीं मेरे मन में टेढ़ी को लेकर इतनी खराबी क्यों आ गई। सॉरी मादम, रियली सॉरी। मुझसे गलती हो गई। किस्मत में हमारे बहुत इम्तिहान लिए।
लेकिन हमने हमेशा मिलकर उन मुश्किलों का सामना किया है, इस बार भी कर लेंगे, सब ठीक हो जाए। हे महाराज श्रीनाथ जी, इस चौल वाली के चक्कर में कहीं मेरी आंखों के नीचे काला अंधेरा ना छा जाए, ऐसी की तैसी हो गई है नींद की। जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए अपने आप को दोषी मत समझ बेटा। ये सिर्फ एक हादसा था और कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, इतने सारे लोग यहाँ नहीं रुक सकते, पेशेंट के साथ सिर्फ दो लोग रुकेंगे। मैं रुकता हूँ यहाँ पे। आज मैं भी तुम्हारे साथ यही रुकूंगी, मैं इस हालत में ट्रेनी को छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। शुरवरी बहू, हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें हमारे साथ घर चलना चाहिए। ऐसे तो हम इप्सिता को संभाल लेंगे, लेकिन उसे तुम्हारी जरूरत भी जरूर लगेगी। हाँ, थोड़ी देर पहले प्यारे लाल से बात हुई थी, वो कह रहा था कि बहुत रो रही है वो। शुरवरी, तुम जाओ इप्सिता के पास, मैं यहाँ पे हूँ टेनी के पास, भरोसा करो टेनी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तो नहीं मान रहा, मैं इस हालत में टेनी को ही छोड़ कर जाऊंगी, इप्सिता को भी नहीं छोड़ सकती। तो मुझे बीच बीच में फोन करते रहोगे ना, मुझे बताते रहना टेनी की तबीयत कैसी है। चलो अभी कुछ कह नहीं सकते। एक्सक्यूज मी, बात से बहुत थके हुए लग रहे हो, काम करो ना, थोड़ा सा आराम करो। क्या भगवान जी, नहीं अपन को मालूम है, अच्छा तो तुमको भी नहीं लग रहा है। टेनी बहन को ऐसे चुपचाप पड़े ले देख करके, तो फिर जल्दी से सही कर दो ना उसको, पूरा 5 किलो फूट चढ़ाएगा मैं, पक्की बात। जी को मुझे भेजती, पता नहीं हमारे घर को किसकी बुरी नजर लग गई। जब कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तभी ऐसा कुछ हो जाता है जिससे पूरे घर में माथा चल जाता है। अभी अभी तो इन 3 बच्चों को एक नई राह मिली, उन्होंने उस पे एक कदम नहीं रखा था, उसे ठोकर। उन्होंने विनती करके यानी जल्दी से ठीक होके घर आ जाओ। फोटू नहीं कोबा, अगर वो ठीक होकर घर वापस आ भी गई तो फिर कितने दिन टिकने वाली। उसने अपना मन बना लिया है तो फिर जबरदस्ती उसे क्यों रोकना, जाने दो ना उसे। नहीं, मैं तेरी को मना लूंगी,
वो कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी हमारे साथ। जोइंदु, तेरी बड़ी बहन होने के नाते तुझे सलाह दे रही, क्यों रोकने की कोशिश कर रही तू उस टेणी को? अगर वो रुक गई ना तो तेरे ही बेटे और बहू की गृहस्थी बिगड़ेगी। थोड़े शांत दिमाग से सोच, अगर वो रुक गई तो पूरे परिवार के सामने वही सारी मुसीबतें आ खड़ी होंगी जिनसे हमारा परिवार अभी अभी बाहर आया है। खोटू नहीं को, एक छत के नीचे दो औरतें एक साथ में कभी नहीं रह सकती। और मैं तो कहती हूँ कि रिश्ते की जिस उलझन को पूरा परिवार मिलके नहीं सुलझा पा रहा था, वही उलझन जब अपने आप ही सुलझने जा रही है तो फिर उसे क्यों रोकना? जवा दे उसे। कोई नहीं बापू जी, बा वो मैं रसोड़े में जाकर सबके खाने की व्यवस्था करती हूँ। वो तब से किसी ने कुछ खाया नहीं होगा ना, इसीलिए मैं अभी आई। मोहिनी ने जो कुछ भी कहा है वो देखा जरूर है, पर सच भी तो है। अंबिका, ये सब बातें बाद में, पहले हमें टेनी की देखभाल करनी होगी। जब वो ठीक हो जाएगी फिर देखेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। मेरे से बहुत प्यार करता है, क्या हो गया? नष्टे नष्टे थोड़ा सा गिरी गई ना, तो मेरे को कहीं अपनी टोल नहीं ले जाता। क्यों लिखा? और चोरों के साथ चोरी करना कोई गलत बात नहीं होती, हम इनका पैसा दिए बिना भी भागेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो निकल गए। अरे तेरे साथ भी हिस्सा बांटूंगी। अरे लक्ष्मी माता टीनी के पास आना चाहती है। लक्ष्मी माता अरे धन्यवाद माता जी की कसम, अगर ये आदमी मेरे को सड़क पे कहीं मिला होता ना तो इसका पूरा बटुआ साफ कर लेती। पर बेचारा शायद किसी के इलाज के लिए पैसे लाए, ये मारना अच्छी बात नहीं होती, छोड़ देती हूँ। चल अब यहाँ से निकलते।
अरे कहाँ भाग रही है आप? यू वांट सफेद कपड़ों नहीं चढ़े लगी, पीछे मत देखना, भाग। टेनी देखिए आप शांत हो जाइए, इतना स्ट्रेस आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा शांत हो जाइए, स्ट्रेस ये वो साले इंजेक्शन लगा दिए, एक तो मेरा सर गोल गोल घूम रहा है, सफेद कोट में काले दिल वाले चोर, मैं तुमको एक पाई नहीं दूंगी। अरे तेरी की मेहनत की कमाई है, नाच नाच के पसीना बहा बहा के कमाई है, एक चोरनी नहीं दूंगी तुम लोगों को। छोड़ो मेरे को, चुटकन छुड़ा लो मेरे को, मेरे को बचा लो, एक चुटकन। टेनी